वो मैं समझा था कि शादी देते हो। मैंने इन्हें कहा भी था कि हम कभी चार्ज नहीं करते। शट अप, झूठ मत बोलो। कब कहा था तुमने मुझे? देखो ऐसा कोई मसला नहीं है। खैर मैं चलता, मुझे एक मीटिंग पे जाना है। एंड गुड जॉब, रूल्स सबके लिए एक ही होने चाहिए। मैंने भी पहली दफा किसी मर्द की थ्रेटिंग की है। इसका मतलब है कि हम दोनों तो फिर नए हुए ना इस लाइन में। ये रिजवान आपसे प्यार करता था और अगर आप ये बात भी मुझे बता देती तो शायद ज्यादा बेहतर होता। अगर तुम भट्टी से शादी भी कर लोगी ना तो मैं मान जी मिल सकती हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है। क्या? I'm saying that today more important I'm going there. Where? Where I should. आराम से बैठे हुए हो तुम? बीवी है वो तुम्हारी, कल को सारी देसी कम्युनिटी हमारे ऊपर उंगलियां उठाएगी। अब चुप कर सकती हैं थोड़ी देर? कहाँ गए? हाँ वो मिल रही है उससे, दोनों साथ हैं इस वक्त। मिल गए भट्टी साहब, कहाँ है तू? ठीक है मैं आ रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो तुम? इस कहानी को हमेशा के लिए खत्म करना। कहाँ है वो? वो रहे। सिकंदर ने मुझसे खुद कहा कि उसने मुझे आजाद कर दिया है और ये कि मैं ईमान से कभी भी मिल सकती हूँ। अरे वाह, ये तो सुनो जी, कमाल हो गया है ना। हाँ, अगर मुझे पता होता कि एक दफा कुटने से उसकी अकल ठिकाने आ जानी है तो मैं तो उसको पहले ही साहब बाज नहीं आएंगे आप ना। सिकंदर गाड़ी। एक्सीडेंट? सिकंदर का एक्सीडेंट हो गया? तो वो कहाँ है? खाला इस वक्त वो हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल में? मगर वो ठीक तो है ना? मुझे नहीं पता खाला, आई डोंट नो। काशी बेटा प्लीज मुझे उसके पास ले चलो। नहीं खाला मैं नहीं जा सकता वहाँ पे। लेकिन क्यों? वहाँ वैसी गन मिली है और अगर मैं गया तो और प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। गन? खाला मुझे जाना है, आप मुझे कांटेक्ट नहीं कीजिएगा, खुद ही आपको कॉल करूंगा। अरे काशिप बेटा मेरी बात तो सुनो। हेलो हेलो। हाँ क्या हुआ, इज एवरीथिंग ओके? नहीं सिकंदर हॉस्पिटल में है, उसकी दोनों टांगे भी फ्रैक्चर हैं और रिब्स भी टूट गई हैं। आई डोंट बिलीव दिस, उसको होश आया?
नहीं, होश नहीं आया। वहां कर क्या रहा था? उसे गाड़ी नजर नहीं आई क्या? भट्टी साहब को मारने आया था वो। क्या नजर आता उसे? Oh my God! और ईमान और ताई जी? घर पे हैं दोनों, मैंने उन्हें मना कर दिया हॉस्पिटल आने से। मगर वो ठीक तो हैं? ठीक क्या होना है आलिया, तुम जानती हो कि ताई जी कैसी हैं। ख्याल रख रही है ईमान उनका। यार वो बेचारी क्या ध्यान रख रही होगी? क्या करूँ मैं, मजबूरी है। मेरे अलावा और कोई है ही नहीं जो सिकंदर का यहाँ हॉस्पिटल में ख्याल रखे। क्यों, वो सिकंदर का साइड के कैश कहाँ है कि ड्यूटी लगाओ ना? जब उसके सिकंदर भाई को सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी ना उसकी, भाग गया वो। और अब जिसे वो मारने आया था वही उसका ध्यान रख रहा है। सलमा को मारने आया था, ध्यान उसकी बीवी रख रही है। सलमा उसके साथ जो हुआ वो डिजर्व करता है। क्या बोला? आदिल को पिस्तौल मिल गई। गुड। कहाँ है? थैंक यू आदिल। ओह वेरी गुड। हैं? हाँ। लोडेड था? ओह जाहिर सी बात है, लोडेड ही होना है ना। अच्छा तो अगर फायर हो जाता? तो पता नहीं। हैं? मुझे समझ नहीं आया, एक बंदा आपको मारने के लिए है, आपको इसकी इतनी फिक्र क्यों है? या फिर ये सलमा के लिए तो नहीं? कुछ भी समझ लेना ना, कुछ भी समझ लेना। बड़ी साहब मुझे समझ नहीं आ रही, आप सीरियस हैं? तुम मुझे एक बात बता, आज से पहले मैंने तुझे इस तरह का कोई काम कहा? कहा? नहीं, मुझे पता लग गया था जब सिकंदर के बारे में पूछ रहे थे। पर उसका पता लगाते लगाते लग पता गया है। हाँ तो अब क्या करना है? यही तो पता लगाने गया था और ऊपर से ये सब कुछ हो गया। हाँ तो फिर लेकिन कहती भाभी क्या करेंगे? कहती भाभी करेंगे क्या? लगता है आपको वो चला देते? हाँ फिर क्या, उसने कभी आगे का सोचा ही नहीं। मैं जरा रेस्टोरेंट जा रहा था, मैं सोचा आपको याद दिला दूं कि आपका वहाँ 12 बजे होना आज बहुत ज़रूरी। नाश्ता कर लो। नहीं मैं रेस्टोरेंट में ही कर लूँगा। जब शेर हमें बात नहीं करनी चाहिए। मिशेल मेरे ख्याल से मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी चाहिए। कब तक? कब तक? जब तक मैं कन्विंस नहीं हो जाता कि एक ऐसा आदमी है जो आपका दोस्त है, आपका दोस्त रहेगा, आपको पसंद करता था और मुझे उस बात से कोई तंगी नहीं महसूस होगी। कि वो माजी में था। लेकिन वो माजी हमारी जिंदगी का जीता जागता हिस्सा बना हुआ है। लेकिन तुम्हारी जिंदगी में भी तो कभी कोई लड़की गुजरी होगी। हाँ लेकिन वो मेरी इस जिंदगी का हिस्सा नहीं है जो मैं आपके साथ शुरू करने जा रहा हूँ। रिजवान और मेरे दरमियान इस एक बात के अलावा और बहुत सी बातें इंपॉर्टेंट है, जैसे हमारी दोस्ती। अगर मैं रिजवान के साथ जिंदगी गुजारने में इंटरेस्टेड होती आज मैं तुम्हारे सामने प्लीट नहीं कर रही होती। तो ना करें प्लीट, मैंने तो आपसे नहीं कहा ना। देखिए मिशेल, मुझे आपसे रूडली बात करने का कोई शौक नहीं है, इसलिए मैं इस बात को अवॉइड कर रहा था। और मैं किसी ऐसी बात के बारे में बात नहीं करना चाहता। और कोई भी ऐसी चीज जो मुझे आपको खो देने का अंदेशा दे, मैं ना उसके बारे में सोचना चाहता हूं ना बात करना चाहता हूं। तुम मुझे नहीं खोगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। I seriously hope so. Thank you.
कुछ चाहिए आपको? अरे भाई तुम लोग मुझे अस्पताल क्यों नहीं ले जाते हो? दादी मुझे अस्पताल जाना है, पता नहीं सिकंदर कैसा है। ही इज फाइन, माम है उनके पास। यही तो डर है कि वही है उसके पास जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। मैं आपके साथ बहस नहीं करना चाहती। शर्म करो, अपने सगे बाप को छोड़कर उसके साथ मिल गई हो। याद रखना अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ ना तो इतनी बददुआएं दूंगी सलमा को कि सारी जिंदगी रुलती फिरेगी सड़कों पर। क्यों, क्या किया उन्होंने? 3 दिनों से उसी आदमी के साथ बैठी हुई है जो उनको मारने आया था। आदमी? वो आदमी तुम्हारा सगा बाप है जो मेरी माँ को मारने आया था। माँ को मारने नहीं आया था, माँ के बॉयफ्रेंड को मारने आया था। और कोई भी गैरतमंद हस्बैंड यही करता। भट्टी अंकल माम के बॉयफ्रेंड नहीं है, और गैरतमंद हस्बैंड और भी बहुत कुछ करते हैं, सिर्फ इसी बात पे उनकी गैरें जागी हैं। सगे बाप से मुतनफर कर दिया। कितनी चालाक औरत है ये सलमा। ठीक हो जाने दो मेरे बेटे को, बताऊंगी इसको फिर। हाय अल्लाह, पता नहीं मेरा सिकंदर कैसा होगा। अब जाइए जाइए, जाके घर थोड़ा सा आराम कीजिए। 3 दिन हो गए हैं, प्रॉपरली सोई भी नहीं है। हैं? हाँ, हॉस्पिटल में किसी का होना जरूरी है। हाँ तो क्यों टेंशन ले रही है? मैं हूँ ना, मैं चले जाता हूँ। आप ऐसी कोई बात नहीं है, फिक्र ना करें। जाइए आप, जाइए जाइए। हाँ, आप पहले ही काफी कुछ कर चुके हैं। देखिए आप, आपकी ये हालत देखकर वैसे ही दिल खराब होता है मेरा। वो पिस्तौल गायब कर दिया मैंने। थैंक यू। कैश तो यूं ही भाग गया। चलो चलो दफा करो उसको, लानत भेजो। अच्छा अच्छा भाग गया, हमने अचार डालना था उसका, भरा हुआ था पिस्तौल। हाँ होगा। क्या लगता है आपको, वो चला देता? हाँ फिर क्या, उसने कभी आगे का सोचा ही नहीं। आपने सोचा आगे का? अच्छा क्या कहते हैं डॉक्टर? वो कह रहे हैं कि कुछ अरसे तक सिकंदर चल नहीं पाएगा। चलो कुछ अरसे के लिए, इतनी तो सजा मिलनी चाहिए। आपने सोचा है? हैं? कैथी के बारे में? हैं? क्या सोचना है? बता तो चुका हूँ आपको कि मेरी और जो कैथी की शादी थी वो शादी थोड़ी थी, वो तो डील थी ना। मुझे नेशनलिटी चाहिए थी, उसको पैसे चाहिए थे। नाउ डील ऑफ। लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा कि एकदम से उसको मुझसे मोहब्बत कैसे होगी। ले दस अब आग ले। और आपको? मोहब्बत तो खैर नहीं है, ठीक है, फैमिली है, एक वक्त गुजरा है साथ हमारा, एक एहसास है, भी मदद तो की ना उसने मेरी, जो भी है। फिर वो दो रेडीमेड बच्चे मिल गए, टाइम गुजरा उनके साथ। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि उसके अंदर की जो औरत है वो एकदम से इस तरह बाहर निकल आएगी। नो नेवर थॉट दिस।
लेकिन ये अचानक से आज इसका ख्याल कैसे आ गया? मैं नहीं चाहती कि मैं किसी गिल्ट से अपनी नई जिंदगी शुरू करूं। गिल्ट? हेलो, यस यस इट इज ओके 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 आई विल बी देयर ओके बाय। क्या हुआ, खैरियत है? सिकंदर को होश आ रहा है। चलो शुक्र है, आ जाना चाहिए उसे होश। चले। एक्चुअली मैं ये चाहती हूँ कि मेरी तरह वो भी तुम्हें अपना बहुत अच्छा दोस्त कंसिडर करे। सलमाना Salma, because she's an American, she's going to get you the citizenship. हॉस्पिटल में है, गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया था। अम्मा, अम्मा कहाँ हैं? घर पे हैं ताई जी मान के साथ, उनको मना किया यहाँ आने से। काशिफ, काशिफ भाग गया। काशिफ डर गया होगा वो पुलिस से, पिस्तौल नहीं मिली उन्हें। ज्यादा ना हिले, उन्होंने कहा है कि दोनों टांगों की फ्रैक्चर हुआ है और आपके सर पे भी बहुत चोटें आई हैं। बेड रेस्ट का कहा है डॉक्टर ने। हेलो। हाँ रिजवान, कैसे हो? हाँ क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। तुम बिजी तो नहीं? नहीं। अच्छा तुमसे एक बात करनी थी, बल्कि ये समझो कि तुमसे एक फेवर चाहिए। हाँ बोलो। एक्चुअली वो बात, सॉरी मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें कैसे कहूँ। विशाल मैं हूँ यार, मुझे कुछ कहने के लिए तुम्हें अल्फाजों का मोहताज नहीं होना चाहिए। Just say it. Actually, it's about Jamshed. जब से उसे पता चला कि तुमने jealousy? नहीं jealousy नहीं। तो क्या उसे मेरी और तुम्हारी दोस्ती से कोई इशू है? इशू भी नहीं है, एक्चुअली मिसअंडरस्टैंडिंग है। हालांकि मैंने उसको बताया था कि रिजवान और मेरे बीच में ऐसा कुछ नहीं है, वी जस्ट वेरी वेरी गुड फ्रेंड्स। लेकिन पता नहीं उसको ऐसा क्यों लग रहा है कि जब से तुम वापस आए हो तो शायद कुछ हो जाए। जब पहले जमशेद नहीं था तो कुछ नहीं हुआ, अब क्या होगा? एग्जैक्टली यही बात मैं उसे समझाना चाहती हूँ। तुम चाहती क्या हो? मैं न्यूयॉर्क वापस छोड़कर चला जाऊं? नहीं, नॉट एट ऑल। तुम खुद उसे अगर पर्सनली मिलके बात एक्सप्लेन कर लो। क्या? देखो थोड़ा इमोशनल है, यंग है ना तो जल्दी जज्बाती हो जाता है। अगर तुम खुद मिलके उसे ये एक्सप्लेन कर लो तो शायद उसकी गलतफहमी खत्म हो जाए। एक्चुअली मैं ये चाहती हूँ कि मेरी तरह वो भी तुम्हें अपना बहुत अच्छा दोस्त कंसिडर करे। अरे जमशेद, क्या हाल चाल? मैं तो ठीक हूँ, तू सुनाओ? सुना तरक्की होगी है। मुबारक हो। थैंक्स।
यार पट्टी साहब से नाराजगी है, हमारे से तो नहीं। नहीं ये बात नहीं है, बस मैं काम में ही बहुत बिजी होता हूँ। हाँ जाने काम अपनी जगह पे, लेकिन खानदान खानदान होता है। मेरे नज़दीक ऐसे खानदान को कोई फ़ायदा नहीं है जो आपकी खुशी पर खुश ना हो सके। यार छोड़ दे, पट्टी साहब तुम्हारी बेहतरी के लिए कह रहे थे। उनसे कहना कि मेरी बेहतरी की फिक्र मुझे ही करना है, खुद तो गोरी से शादी कर ली, मेरी बारी आई तभी सब कुछ याद आना था। हाँ कहते साथ शादी कर ली है, लेकिन नतीजा देख रहे हो, अगर इतना परफेक्ट फॉर्मूला होता तो ये आज तक ना नौबत ना होती। कैसी नौबत? छोड़ यार, फिर भी मुझ तो वक्त में ना रूठे हुए रिश्तेदार भी पूछ लेते हैं। क्या हुआ मामू? Wow, that's really good news. Thank you. Welcome. Hey buddy, look who's here. Hello. Hello. He's got some really special news for you. अगले हफ्ते की डेट मंजूर हो गई है और इस दफा आपका केस थ्रू हो जाएगा। But I tell you. Oh, I know what you told me. I've discussed the whole thing with him and it's going to be just fine. मुबारक हो भट्टी साहब, अमेरिका के शहरी बनने के लिए तैयार हो जाइए। Oh, and tell him the thing about America that he can now fly out. Absolutely, absolutely. Can we talk? We'll talk. Just hear him out. No, we talk first, na? I'll just take 5 minutes. नहीं नहीं, 5 minutes की जरूरत नहीं है। I don't want this. Excuse me? I said I don't want this. Oh no no, he's just joking. No joking, na? No joking. I don't want this. Case over, finished. I'll be back. Bobby, why did you just walk out? I tell you, don't call him. Why you call him? Why not? Case over. What does that even mean? Case is over. I tell you, I love someone else, but you don't listen, and you call him again and call him again. Oh, this is what's going on now? This is how you're going to break up our marriage? Oh, I marry Salma now. Salma? Because she's an American? She's going to get you the citizenship? I don't marry Salma for citizenship. I marry Salma because I love her. And you love me too. Kathy, don't fool you, don't fool me. You know why we marry? Now, it's of no use. You're changing. Why? You know what it is? Being sweet to you just doesn't seem to work. You want to be abused and ridiculed. Misused. Misused by you. Now it's final. If you go, you lose this house too. You think I care about house? You think? You take it. Huh? Buddy, listen to me. You're not going anywhere. No one ditches me. No one ditches me. You leave, I will ruin you. You understand? I will ruin your life. Go. Go. Go do what you want. Do what you want. We are just friends, and that's about it. तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे जहन में किसी किस्म का वहम रहे मेरे या अपने बारे में। अपने बारे में मुझे कोई वहम नहीं है, सिर्फ यकीन है। Hey, मैं अंदर गया तो पता चला कि तुम यहाँ खड़े हो। Hi. क्या हाल है? ठीक। Time off ले रहे? आप बस यूं ही। Time off भी लेना चाहिए। वो actually मुझे तुमसे जरा एक बात करनी थी। बोलो। मिशेल बता रही थी कि तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है मेरे और उसके बारे में, तो वो मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई। यार उस दिन तो तुमसे मैंने ऐसे यूं ही कह दिया था। हाँ मैं जानता हूँ मिशेल,
तुम ही को पसंद करती है और तुमसे शादी करना चाहती है, और वैसे भी मेरे और उसके दरमियान था भी नहीं, वी आर जस्ट फ्रेंड्स एंड दैट्स अबाउट इट। तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे जहन में किसी किस्म का वहम रहे मेरे या अपने बारे में। अपने बारे में मुझे कोई वहम नहीं है, सिर्फ यकीन है। और रही बात तुम्हारी, मैं इतना कूल नहीं हूँ कि अपनी बीवी के बेस्ट फ्रेंड के तौर पर एक ऐसे शख्स को देखूँ जो कभी उससे शादी करना चाहता था। यू नो, थोड़ा अनकंफर्टेबल आइडिया मेरे लिए। लेकिन जब इंसान किसी के साथ ज़िंदगी गुजारने का फैसला करता है तो उसके माजी को भी एक्सेप्ट और एक्नॉलेज करता है ना। एक्नॉलेज और एक्सेप्ट करने में फ़र्क होता है यार। आई डोंट नो कि तुम मेरे बारे में ऐसा क्यों सोच रहे हो। मैं एक छोटा सा मसला हल करना चाहता था, क्योंकि तुम मिशेल की ज़िंदगी का हिस्सा बनने जा रहे हो और मैंने भी तुमसे आगे मिलते रहना है यार। वही तो, तुमने मिलते रहना है। और हाँ, मैं मिशेल की ज़िंदगी का हिस्सा बनने जा रहा हूँ। और बात, मैं तुम्हारे यार नहीं हूँ। थैंक्स फॉर द एफर्ट। सिकंदर ने कुछ कहा? नहीं, शर्मिंदा है। पता नहीं, खामोश। जो कुछ तुम्हारे साथ किया ऑब्वियसली उसके बाद खामोश ही होगा। सीरियसली मैन, गोज अराउंड कम्स अराउंड। और भट्टी साहब क्या कहते हैं? उन्होंने क्या कहना है? बता दिया उन्होंने अपनी बीवी को। और तुमने सोचा है इस बारे में? सोचने का वक्त ही कहाँ मिल रहा है मुझे। कि तुमने फैसला तो कर लिया है ना? हाँ कर लिया है, लेकिन मैं किसको बताऊं? वो जो अभी अभी मौत के मुंह से निकला है, या उनको जो घर में बैठी पागल हो रही है अपने बेटे की फिक्र में? ठीक है, लेकिन डोंट लेट दिस इंसिडेंट अफेक्ट योर डिसीजन प्लीज। हेलो, यस, ओके, यस आई अंडरस्टैंड। क्या हुआ? वो हॉस्पिटल के बिलिंग डिपार्टमेंट से फोन था, वो कह रहे हैं कि सिकंदर का मेडिकल इंश्योरेंस ही नहीं। ओह शूट, फिर क्या होता भी कैसे ये? उसने कभी पे ही नहीं किया। तो अब? अब हमें यहाँ से जाना होगा, हॉस्पिटल में तो नहीं रह सकते। वो तो है, लेकिन बिल कैसे पे करोगी? आखिर बात मेरे जेवर तक आ ही गई, उस तरह नहीं तो इस तरह। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, इमरान बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। हाँ वो इकबाल भाई ठीक है? बाकी के घर वाले कहाँ? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम्हें हमारी बड़ी फिक्र हो। आखिरी बार जब तुम्हारी भाई से बात हुई थी कितने परेशान थे वो, कोई अंदाजा है तुम्हें? तुम लोग तो वहाँ अमेरिका में मजे उड़ा रहे हो ना। जी वो अमित जी हैं, मेरी बात करवा दीजिए जरा। हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं हो सकती, हम तो पागल हैं जो तुम्हारा फोन उठा लेते हैं। ये लो बात करो, माँ जी इमरान का फोन है। हेलो। हेलो अम्मी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसा है बेटा तू? बस अम्मी जी ठीक ही हूँ, आप बताएं क्या हाल है, तबीयत कैसी है? अरे छोड़ इसे। खांसी पहले से बेहतर हुई? कोई दवाई ली आपने? अरे ली हैं दवाइयाँ, इतनी दवाइयाँ पहले भी हैं और कितनी खाऊंगी मैं। अरे अम्मी जी खांसी की दवाई लीजिए ना, डॉक्टर पे गई थी? चली जाऊंगी डॉक्टर के पास, आखिर में डॉक्टर के पास ही तो जाना है। क्या मतलब आखिर में? अम्मी जी किसी को कहे ना वो ले जाए, ऐसी कौन सी कोई बड़ी बात है। तू आएगा ना तो तेरे साथ जाऊंगी। अम्मी आप भी ना
किथे किथे मजबूरी आ रही आंदी। क्या मतलब? कुछ नहीं मी। ना बात क्या है? तू परेशान क्यों है? हैं? आ बस मैं मी थक गया, थोड़ा आराम करना चाहता। अरे कहना क्या चाहता है? अम्मी ओ मैं कैथी से अलग होने लगा। क्यों? कुछ कहा उसने? अम्मी वो तो कब से कह रही है, मैंने पहली बार कहा। कोई और है क्या? किसी ने कुछ कहा है आपसे? 5 साल से तो तूने छोड़ा नहीं, अगर अब छोड़ रहा है तो कोई खास बात होगी ना? अच्छा तो अम्मी जी तुसी भी ना बस फौरन पीर ही बन जाते हो। मैं पावे पीर होवा या ना होवा पर मां ते है वा ना। कौन है वो? अम्मी जी वो मुसलमान है, पाकिस्तान से है। और अब खुश हो जाओगे? खुश तो मैं तब होंगी जब मैं उसे अपनी आंखों से देखूंगी। नहीं अम्मी जी मैं इस बार जरूर मिलाऊंगा आपसे, वादा। वो तेरे पासपोर्ट का क्या बना? हैं? पता नहीं अम्मी जी, किस्मत में हुआ तो मिल जाएगा, नहीं तो ना। से तो मतलब ये हुआ कि पासपोर्ट और मेरा बेटा बराबर हो गए ना? बस अम्मी जी दुआ करना, जिंदगी का बहुत बड़ा फैसला करने जा रहा हूँ। पता नहीं दादी क्या क्या कहती रहती हैं। वो कह रही थी कि तुम्हारी माँ जब तुम्हें छोड़ के चली जाएगी तब देखना, लेकिन मैं उनकी बातों में बिलीव नहीं करती। सही करती हूँ ना? कैसी तबीयत है उनकी? बेहतर है, ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई हो रहा था और सो नहीं पा रहे थे तो स्लीपिंग पिल्स दे दिए। डॉक्टर क्या कह रहे थे? वो तो थोड़ा और हॉस्पिटल में रखना चाह रहे हैं लेकिन हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। बिल कितना बना? $19,000। $19,000? हाँ इसीलिए तो वापस घर लाना पड़ेगा। और पैसे कहाँ से आए? क्या हुआ माम? मैं तुम्हारी ज्वेलरी नहीं रख पाई माँ। I'm so sorry. खैर है माम, मैंने क्या करनी है ज्वेलरी के साथ? I don't even like jewelry. लेकिन वो तुम्हारी कॉलेज के पढ़ाई के लिए थे। इसकी फिक्र मत करे माम, मैं जॉब करके मैनेज कर लूंगी और वैसे भी 3 साल रहते हैं मुझे कॉलेज जाने में, उस वक्त तक कुछ सोच लेंगे। हाँ हाँ ठीक है, मुझे तुमसे एक बात करनी है। मैंने भी। हाँ कहो। आप बताएं। नहीं बेटा आप पहले बताओ ना। वो दादी आज फिर भट्टी अंकल के बारे में वही बातें कर रही थी। क्या कह रही थी? वो कह रही थी कि भट्टी अंकल आपके बॉयफ्रेंड है और ये सारा कुछ उनकी वजह से हुआ, लेकिन मैंने उनको बता दिया था ये सारी डैडी की मिसअंडरस्टैंडिंग है। पता नहीं दादी क्या क्या कहती रहती हैं। वो कह रही थी कि तुम्हारी माँ जब तुम्हें छोड़ के चली जाएगी तब देखना, लेकिन मैं उनकी बातों में बिलीव नहीं करती। सही करती हूँ ना?
हाय हाय रिजवान को आपने कहा था मुझसे बात करने के लिए? हाँ और देखो सब कुछ क्लियर हो गया। क्लियर? हाँ वो बता रहा था दैट यू टू टॉक्ड इट आउट और सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म हो गई। उसने ये बताया आपको? रात को कॉल करके। देखा मैंने तुम्हें कहा था ना कि वो हम दोनों को खुश देखना चाहता है, हमारे बारे में कभी बुरा नहीं सोचेगा, बल्कि वो मुझसे भी अपोलोजाइज कर रहा था कि हम दोनों के बीच उसकी वजह से ही सब कुछ हुआ है। क्या सोच रहे? हाँ कुछ नहीं, मैं ये सोच रहा था कि यही कि रिजवान ने बहुत अच्छा किया सारी बात क्लियर कर, फेस टू फेस हमेशा बेहतर होता है ना। वैसे मैं डर रही थी कि तुम शायद माइंड ना कर जाओ कि मैंने रिजवान से कहा था बात करने को। नहीं आपने अच्छा किया, रात को डिनर करते हैं। श्योर? वैसे शुक्र है तुमने खुद टाइम स्पेंड करने को कहा। आई नो, बल्कि काम करते हैं, रिजवान को भी बुला लेते। रियली? हाँ मेरे ख्याल से अगर उसने इतनी हेल्प की है तो उसको थैंक यू कहना तो बनता है। दैट्स चेंज। क्या कहूँ, आपने मुझे इतना बदल दिया। इतना नहीं जितना तुमने मुझे बदल दिया। रात में मिलते हैं। हाँ रिजवान को याद से फोन कर दीजिएगा और उसे कहिएगा उसकी पसंद का खाना बनाए और इस दफा बिल भी नहीं लेंगे। ओके। क्या? हाँ यही कहा ईमान ने। तो तुमने उसे बताया नहीं? नहीं बताया सलमा, मैं ईमान को बताना ही पड़ेगा और मेरे ख्याल से वो समझ जाएगी। ये बहुत मुश्किल काम है मेरे लिए, पता है मैं ही एक वाहिद उम्मीद हूँ उस बच्चे की, और ज़रूरी नहीं कि उसका ख्याल रखने के लिए तुम्हें इसी घर में रहना पड़े। और भट्टी भी ईमान को बहुत चाहता है, मेरे ख्याल से उनको तुम्हारे और ईमान के रिलेशनशिप से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ मैं कोई अच्छा वक्त निकाल के बता दूंगी उसे। या फिर तुम डर रही हो कि ये सब जान के ईमान तुम्हारा क्या सोचेगी, है ना? शायद। वैसे पहली बार बुलाया अपने घर पे और वो भी क्या न्यूज़ देने के लिए। वैसे घर अच्छा है? यादें बिल्कुल अच्छी नहीं है। भट्टी को बताया? चलो आई गेस इतना इंतजार कर लिया उन्होंने, थोड़ा और ही कर लेंगे। चाय तो पियो। बिल कितना आ रहा है? $19,000। इतने पैसे हम कहाँ से लाएंगे? हम तो हो जाएगा मैनेज। मुझे मालूम है कि वो उस कमबख्त ने जो वो है ना तुम्हारा, उसने इसका ये हश्र किया है। ये क्या खिदमतें करके साबित करना चाह रही हो तुम? मैं जो चाहता हूँ तो मैं हासिल कर ही लूंगा, लेकिन तुम्हारे लिए बेहतर ये होगा कि तुम मेरे और मिशेल के बीच में मत आना, वरना शादी के बाद मुझसे ज्यादा देर ये मिस्टर नाइस गाय की एक्टिंग नहीं होगी। भट्टी साहब आपने घर छोड़ दिया, तलाक दे दी, अब मुझे बताया तक नहीं। आपने भी तो बताया ही है ना उसको, सिकंदर को ये सब। लाया लाया
मैं तेरे नाल ढोलना वे लाइया लाइया मैं तेरे नाल ढोलना एक दिल सी रहा मेरे कोलना मैं मिलती गई ढोलना लाया लाया।